लाइन पर जैसे रोड सेंस के बारे में पूछ रहे थे। देखिए एक दिखाओ, अब रोड के ऊपर ये पट्टी है, ये पूरी पट्टी है और ये भी पूरी पट्टी है, लेकिन वो पट्टी कट-कट का निशान है। वो देखो उस कट-कट का निशान है जो डिवाइडर के साथ से जो गाड़ी चल रही है वो भी, और जो इसमें दिखाओ इस लाइन में चल रही है वो भी उधर जा सकती है और उधर वाली इधर जा सकती है, लेकिन जो ये पट्टी जिसमें बीच में कट-कट का निशान नहीं है, इसका मतलब है इसको आपको क्रॉस नहीं करना, सीधे चलता रहना है। इसी प्रकार से कई जगह पीली कलर की होती है, वो पीली का मतलब होता है इससे भी वो उसका और भी अधिक उसकी पालना करनी है। पीली का मतलब तो एक तरह से आप डिवाइडर ही मानो, पीली का मतलब उसको डिवाइडर बनाना था लेकिन रोड पर जगह कम होने के कारण वो पट्टी खींच देते हैं, तो उसका आप पीली मानो। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये रोड के साथ से, इसका मतलब ये होता है कि आप रोड के इस साइड में बिल्कुल अपनी गाड़ी को नहीं लाए। कई बार ये होता है कि रोड के साथ साथ ये एंगल भी टूट के गिर जाती है, हो सकता है एंगल टूट के गिरी है, तो वो राह चलता आदमी भी या टेम्परेरी उसका इलाज करते हैं कि एंगल को उठा के ऊपर कर दिया, या बारिश में गड्ढा भी बढ़ जाता है तो रोड के पास आस पास पास तो वो भी नुकसान करता है। तो रोड को इससे और धुंध में धुंध में अक्सर देखोगे तो धुंध में भी ये इसके निशान के कारण ही उसका हम सहारा लेते हैं और गाड़ी टच होने का हमें खतरा नहीं रहता धुंध में भी अक्सर। तो ये जो रोड के ऊपर पट्टी होती है इसका ये निशान होता है। और दूसरी बात, अब कोई आदमी कहे जी रोड के ऊपर अब गाड़ी चलती है तो डिवाइडर के साथ से कौन सी जाए और इधर कौन सी चले, सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर जो सबसे ये लाइन है ना, ये लाइन, ये बस लाइन है जो पहली लेफ्ट को है वो बस लाइन है, ये लाइन कम है। हमेशा फास्ट गाड़ी को डिवाइडर के साथ से चलनी चाहिए, और अगर ज़्यादा लाइन है तो डिवाइडर के साथ वाली लाइन हमेशा ओवरटेक करने के लिए होती है, और ओवरटेक करने के बाद बीच वाली लाइन में आ जाए ताकि दूसरी कोई स्पीड वाली गाड़ी है तेज चलने वाली वो फिर ओवरटेक कर सके, आगे जा सके, क्योंकि ओवरटेक हमेशा राइट से होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो हैवी व्हीकल होते हैं, जो माल लोडिंग होता है, उनकी लाइन हमेशा लेफ्ट में रहती है।